हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप CSS की प्रॉपर्टी बैकग्राउंड अटैचमेंट के बारे में सीखेंगे। बैकग्राउंड अटैचमेंट से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है स्क्रॉल और एक होती है फिक्स्ड। स्क्रॉल जो है बाय डिफॉल्ट वैल्यू, आप लगाओ ना लगाओ वो स्क्रॉल ही होती है। अगर आप फिक्स कर देते हैं तो बैकग्राउंड की इमेज फिक्स्ड हो जाती है और ऊपर से टेक्स्ट स्क्रॉल होता रहता है। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में बैकग्राउंड में इमेज देना सीखा, और अभी हमने इसकी पोजीशन जो है राइट और टॉप कर रखी है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन राइट टॉप कर रखी है। अब आप ये देख रहे हैं जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ इमेज को, तो बैकग्राउंड की जो इमेज है वो भी स्क्रॉल हो रही है। तो यहाँ पर अब हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में बैकग्राउंड अटैचमेंट के बारे में देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको देखे दिखाता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। दो वैल्यूज़ होती हैं इसकी, फिक्स्ड और स्क्रॉल। ये देखिए मैंने फिक्स दे दी, यहाँ पर मैंने पेज को रिफ्रेश किया। अब ये देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ मगर वो बैकग्राउंड इमेज में जो है हमारी वो फिक्स्ड हो चुकी है, वो स्क्रॉल नहीं कर रही है। अगर मैं ये नहीं देता और इसकी जगह देता हूँ स्क्रॉल, और यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करके देखिए, जैसे ही मैं पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो स्क्रॉल हो रही है। तो ये प्रॉपर्टी जो बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल है, ये तो मैं अगर ना भी दूँ तभी वो स्क्रॉल ही रहती है, आपको देने की स्पेशल कोई ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। मगर अगर आप फिक्स करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी। ये देखिए, तो ये था हमारा बैकग्राउंड अटैचमेंट। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।